हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जिस प्रॉब्लम में हमें एक रॉड दे रखा है जिसका मास, लेंथ, एक क्रॉस सेक्शन एरिया और यंग्स मॉडुलस सब कुछ गिवन है। आपसे कहा गया ये रॉड अपने एक एंड के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, तो ऐसे में वी नीड टू फाइंड द एलोंगेशन इन दिस रॉड। इस रॉड में कितना एलोंगेशन आएगा ये निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर सी एम सेंटर ऑफ मास का रेडियस, विच इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पर लाई करेगा एल बाई टू। तो इस हिसाब से लोग स्ट्रेस निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस फोर्स बाय एरिया एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन टू टाइम्स एरिया। फिर बोलेंगे कि ये क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है और ये लेंथ एल बाय टू है, तो रॉड की इफेक्टिव लेंथ एल बाय टू मानते हुए स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन अप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन टू ए स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन इफेक्टिव लेंथ कितनी है एल बाय टू। दिस इंप्लाइज डेल्टा एल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन या एल स्क्वायर अपॉन फोर ए वाई। तो जिस तरीके से रॉड के खुद के वेट की वजह से उसमें एक्सटेंशन निकाल रहे थे, वही तरीका हमने यहां पे भी अप्लाई किया, तो हमारा आंसर ये आया। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसको हम गलत अभी प्रूफ करेंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड का यूज करके हम इसको गलत प्रूफ करेंगे। क्योंकि ये जो तरीका मैंने बताया था कि तरीका गलत है। कई लोग इस तरीके से आंसर निकाल लेते हैं, वो सिर्फ उसी क्वेश्चन तक काम करेगा जिसमें रॉड के खुद के वेट की वजह से आप उसका एक्सटेंशन निकाल रहे हो। किसी भी और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए वो मेथड है ही नहीं, बेकार मेथड है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि वो मेथड सही नहीं है। तो सही मेथड क्या है? सही मेथड ये होगा कि आप इस रॉड के छोटे छोटे टुकड़े कंसीडर करिए, हर टुकड़े में स्ट्रेस निकालिए, हर टुकड़े में एलोंगेशन निकालिए और उन सारे एलोंगेशंस को ऐड करिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पर जाकर टेंशन निकालने की कोशिश की। तो यहाँ का टेंशन निकालने के लिए मैंने इस पीस का, एक्स लेंथ का जो पीस है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इस जगह पे हमें अज्यूम करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कि ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, ग्रेविटेशन का कोई भी इफेक्ट हम अज्यूम नहीं करेंगे। तो यहाँ एक्स डिस्टेंस पर इस रॉड की लेंथ, ये जो पीस हमने कंसिडर किया है, इसकी लेंथ एक्स है, यहाँ पर टेंशन निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ का टेंशन टी है। तो टेंशन टी कितना होगा, यही टेंशन है जो कि इस पीस को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो टेंशन टी की वैल्यू है इसका, सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा, इसका मास हो जाएगा एम इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, वेयर लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। इसकी वैल्यू हम अंत में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट ये एम कितना है, लैम्डा एक्स। और इसका सेंटर ऑफ मास क्योंकि यहां पर है, इधर से x बाय टू डिस्टेंस पर है, इसलिए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का रेडियस हो जाएगा l माइनस x बाय टू, पूरा लेंथ l माइनस x बाय टू। तो टेंशन हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l माइनस x बाय टू, विच इज इक्वल टू m की वैल्यू डाल देंगे लैम्डा ओमेगा स्क्वायर x इंटू एल माइनस
एक्स बाय टू, एम की वैल्यू लैम्डा एक्स सब्सटीट्यूट कर दी, ये टेंशन आ गया। तो इसका यूज करते हुए हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू दिस टेंशन दिस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो टेंशन बाय एरिया लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन एरिया टाइम्स एल माइनस एक्स बाय टू, ये स्ट्रेस आ गया। इस लोकेशन का स्ट्रेस है, ये यहां से एक्स डिस्टेंस पे स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आएगा। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जैसे जैसे आप एक्स को वैरी कर रहे हो वैसे वैसे स्ट्रेस चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्ट्रेस, इसलिए हर जगह पे स्ट्रेन डिफरेंट है। और क्योंकि हर जगह स्ट्रेन डिफरेंट है, आप डायरेक्टली स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हमें छोटे छोटे पीसेस करके हर पीस का स्ट्रेन निकाल के हर पीस में एलोंगेशन निकाल के उन सारे एलोंगेशन को ऐड करना है। तो मैंने यहां एक पीस कंसिडर किया एक्स डिस्टेंस पर जाकर dx लेंथ का, तो इस छोटे से dx लेंथ का छोटा सा मास dm कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा लैम्डा dx। तो हम इस छोटे से पीस में एक्सटेंशन निकालना चाहते हैं, स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए वाई इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाय टू, ये आपका स्ट्रेन है। ये स्ट्रेन इस पीस में है, और स्ट्रेन कितना होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, सो दिस इंप्लाइज चेंज इन लेंथ, इसकी लेंथ है dx, डेल्टा dx अपॉन लेंथ, लेंथ है उसका dx, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ इज इक्वल टू दिस स्ट्रेन लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए वाई इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स बाय टू, ये आपका स्ट्रेन है। दिस इंप्लाइज डेल्टा dx इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए वाई, तो कॉन्स्टेंट है, इंटू इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू dx, ये हो गया डेल्टा dx, चेंज इन लेंथ dx। तो इस छोटी सी लेंथ में जो चेंज आया है उसको हम टोटल चेंज का छोटा सा पार्ट भी कह सकते हैं, छोटी सी लेंथ में जो चेंज आया दैट इज इक्वल टू टोटल चेंज का छोटा सा पार्ट। सो डेल्टा dx को हम लिख सकते हैं d ऑफ छोटा सा पार्ट ऑफ टोटल चेंज इन लेंथ डेल्टा l इज इक्वल टू, ये आ गया लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए वाई, dx को मैं अंदर ले जा रहा हूं एक बार, एल एक्स डी एक्स माइनस, या जरूरत नहीं है इसकी, ऐसे लिख देते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा जी सिंप्लाइज। अब इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक लगाएं, डी ऑफ डेल्टा एल है तो लिमिट लगा दो जी इसको आप जीरो से लेकर डेल्टा एल, आप क्योंकि पूरी चेंज इन लेंथ निकालना चाहते हो, सारे चेंजेस को ऐड करोगे तो पूरा चेंज इन लेंथ आ जाएगा। और आरएचएस में लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, अगर आप पूरा रॉड कंसीडर करोगे तो जीरो से लेकर एल तक, जीरो से लेकर एल तक। दिस इंप्लाइज एलएचएस का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, डेल्टा एल दिस इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए वाई, तो कॉन्स्टेंट था ही, उसको हम पहले ही इंटीग्रेशन के बाहर निकाल चुके हैं, इंटू एल एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर बाय टू
माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय सिक्स, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से एल तक। दिस इंप्लाइज डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए वाई इंटू एल क्यूब बाय टू माइनस एल क्यूब बाय सिक्स। दिस इंप्लाइज डेल्टा एल इज इक्वल टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया एल क्यूब बाय थ्री, थ्री ए वाई। अब एक एल अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा मास। दिस इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन थ्री ए वाई, जबकि पहले हमारा आंसर क्या आया था, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन फोर ए वाई। तो आप देख सकते हो कि वो तरीका गलत था। सही तरीका क्या होगा, हर पीस कंसीडर करिए, हर पीस में चेंज इन लेंथ निकालिए और उन सारे चेंज इन लेंथ को ऐड करिए यूजिंग इंटीग्रेशन।